हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये फोटोशॉप का क्लास 5 है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि लासो टूल किस तरीके से काम करता है और इसके बाद हम देखेंगे कि मैजिक टूल किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लासो टूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लासो टूल का जो शॉर्टकट होता है वो एल होता है। जब आप कीबोर्ड से एल प्रेस करेंगे तो आप लासो टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही जब आप शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो लासो टूल के जो अलग अलग टूल होते हैं उनमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बेसिकली लासो टूल का जो यूज है वो सिलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है, और किसी पर्टिकुलर एरिया में आप सिलेक्शन बना के अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड चेंज करना, उस पर्टिकुलर एरिया पर आपको कलर चेंज करना हो या लाइट बढ़ाना हो या आपको डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो। इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए आप लासो टूल का यूज कर सकते हैं। लासो टूल सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी इसमें कई ऑप्शंस हैं जिनसे आप इस तरह का सिलेक्शन बना सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार मार्को टूल के बारे में बात किया था। मार्को टूल में क्या है, एक सर्कल में सिलेक्शन बना सकते हैं या फिर क्यूब में सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन लासो टूल मार्को टूल से बिल्कुल अलग है। इसमें ऑप्शंस कुछ वैसे ही मिल जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन इसमें बनाने का पैटर्न जो है अलग हो जाता है। आइए देखते हैं कि हम लासो टूल की हेल्प से किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। पहला होता है लासो टूल, दूसरा होता है पॉलीगन लासो टूल, और तीसरा होता है मैग्नेटिक लासो टूल। तो हम सबसे पहले लासो टूल के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा ग्रुप है ये लोगों का ग्रुप है, इसमें चार लेयर हैं और इन चारों लेयर को मैंने सेलेक्ट करके और मर्ज कर दिया है, जिसके बाद ये सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। और अब इसको मैं क्या करूँगा कि बीच में जो MP लिखा हुआ है इसके ऊपर जो सर्कल बना है उस सर्कल को मुझे रिमूव करना है। तो लासो टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद इसमें सर्कल पर मैं एक सिलेक्शन बनाऊँगा। मेरा सिलेक्शन रफली है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूं। इसके लिए जो इसकी ऑपेसिटी है ये कम है, तो मैं इसको 100% करूंगा। ग्रुप पे क्लिक करके कलर सैम्पलर टूल से कलर सैंपल लूंगा। अब इसके ऊपर मैं वाइट कलर को फिल कर देता हूं। तो वाइट कलर इसमें फिल नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने ग्रुप को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मुझे उसके लेयर को सेलेक्ट करना होगा। और जब मैं लेयर को सेलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके और बैक स्पेस प्रेस किया तो ये देखिए फिल हो चुका है। माउस के लेफ्ट बटन को आप होल्ड करके और जहाँ तक लेकर जाएंगे वहाँ तक एक सिलेक्शन बन जाएगा। आप जिस एरिया में भी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं इसके लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना होगा, और आप माउस को जब घुमाएंगे तो आप किसी भी तरह का अलग अलग शेप में सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आप अपने सिलेक्शन को हाफ एरिया में ही लाकर छोड़ देते हैं तो भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस जगह से आपका सिलेक्शन जाकर मिल जाता है। जिस जगह पर आप एंड करेंगे उस एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट आपस में कनेक्ट होकर और एक सिलेक्शन बना देता है। तो आपको लासो टूल की हेल्प से अगर सिलेक्शन बनाना है तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट तक आपको लेकर जाना होगा, तभी प्रॉपर सिलेक्शन बनाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है पॉलीगन लासो टूल, और इस टूल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हमें इस जगह तक सिलेक्शन बनाना है या इसके वाइट एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम सीधा सीधा इसमें एक सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि एक जगह पर जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमें दूसरी जगह पर जाकर क्लिक करना होता है, तो फर्स्ट क्लिक से सेकंड क्लिक तक का हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और इस तरीके से जब हम स्टार्ट से एंड पॉइंट को लेकर मिला देते हैं तो वो एक सिलेक्शन क्रिएट कर देता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो है परफेक्टली नहीं हुआ है, थोड़ा सा इधर एरिया छूट गया है, एक्स्ट्रा पॉइंट सिलेक्ट हो गया है, इधर हमारा इनसाइड हो गया है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ हो गया है सिलेक्शन। तो इसको हमें ध्यान देना होगा, हमें इसका सिलेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट करना होगा। उसके लिए हम स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, और इसके बाद हम अपने माउस को नीचे की तरफ भी अगर लेकर जाते हैं तो भी हमारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। इस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद हम नीचे वाला कॉर्नर पर आते हैं और यहाँ हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस जगह पर लेकर आते हैं तो भी हमारा 135 डिग्री पर बनता है। और अगर अपने शिफ्ट को आप रिलीज कर देते हैं तो आप कहीं और भी एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप जिस जगह पर चाहें वहां भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शिफ्ट को होल्ड नहीं करेंगे, और अगर हम स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, और इस तरह से आप एक सिलेक्शन बना लेंगे। और जब लास्ट में आप लेकर उसके साथ टच कर देते हैं तो जीरो का साइन बनता है, और डबल क्लिक करके आप वहां से एक सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि हमारे सिलेक्शन में थोड़ा सा स्पेस छूट गया है इस जगह पर।
इस सिलेक्शन को हम फिल कर सकते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे की तरफ खींच देंगे और हमारा सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा या बड़ा या कहीं से भी मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम जो मार्केट टूल है हमारा, इसके हेल्प से भी हम इस तरह का सिलेक्शन बना सकते हैं। तो हम लासो टूल का क्यों यूज करें, तो आइए देखते हैं कि लासो टूल का और किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। जैसे कि हमारे पास अभी हमने अगर इसका एमपी है, इसको हमें सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए हमें मार्केट टूल यूज नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें पॉलीगन लासो टूल का ही यूज करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर इस तरीके से हम इसका सिलेक्शन बना सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। अगर हम किसी और टूल की हेल्प से ये बनाना चाहें, जैसे कि लासो टूल हो गया या मैग्नेटिक लासो टूल हो गया, उनकी हेल्प से बनेगा, लेकिन इस तरीके से परफेक्ट हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। और पॉलीगन लासो टूल की हेल्प से हम इजीली इसको क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग को मुझे कट करना हो तो इस तरीके से मैं नीचे क्लिक करूँगा, इसके बाद इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, फिर हर कॉर्नर पर क्लिक करके और मैं उस बिल्डिंग को बिल्कुल परफेक्टली ईजी तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। हालाँकि जो नए फोटोशॉप आए हैं उनमें ये बहुत ही इजी हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन हम अगर पॉलीगन लासो टूल को समझते हैं तो उसकी हेल्प से हम इस तरह से कट कर सकते हैं अपने एक बिल्डिंग को या अपने एक किसी सब्जेक्ट को। आप इस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं पॉलीगन लासो टूल की हेल्प से। और इस तरह से अगर आपको कुछ सिलेक्शन छूट जाता है या एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप अल्ट या शिफ्ट की हेल्प लेकर और इस तरह से इसको अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाकर छोड़ेंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो अंदर की तरफ हो गया है। और इस तरह से आप अपने सिलेक्शन को कॉपी करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो पॉलीगन लासो टूल है उसका यूज करते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि हम जो इसका अगला टूल है उसका यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर मैं लासो टूल से इसको करने की कोशिश करूं तो इस तरीके से मुझे परफेक्शन के साथ ले जाना पड़ेगा और मेरा माउस परफेक्टली नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में चला ही जाता है। हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बना पाता। जबकि ये अगर मैं पॉलीगन लासो टूल की हेल्प से करूँगा तो भी जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस तरीके से कॉर्नर छोड़ता है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पास मैग्नेटिक टूल का यूज करते हैं हम इसी चीज़ के लिए। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मैग्नेटिक टूल को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से फर्स्ट पॉइंट पर, और जैसे ही आप लेकर इसको ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक तरीके से होते जाता है। अगर हमारा माउस थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट भी जाएगा तो भी वो एक परफेक्ट सिलेक्शन बना देता है। जो मैग्नेटिक लासो टूल है ये कलर को देखकर काम करता है, जैसे कि इधर वाइट कलर है इधर ऑरेंज कलर है, तो इन दोनों के बीच में जाकर ये ऑटोमेटिक तरीके से फिट हो जाता है और उस जगह पर एक सिलेक्शन बना देता है। और इस तरीके से परफेक्टली आप अपने और इस तरीके से परफेक्टली अगर आप एक सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर कहीं पर आपका सिलेक्शन नहीं बन पाता है इस तरीके से, ऑटोमेटिक क्लिक नहीं करता है, तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और आप अपने माउस को जिस जगह पर भी लेकर जाएंगे वहाँ एक सिलेक्शन ये बनाते जाएगा। अगर आपका कुछ पार्ट एक्स्ट्रा कटिंग हो जाता है और इधर आपका क्लिक हो गया, अब आप अगर इसको अंडू करना चाहते हैं तो अंडू बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप कंट्रोल जेट करेंगे लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होता है उसको आप क्लिक करेंगे और माउस को उसके साथ लेकर जाएंगे तो देखेंगे कि वो बैक हो जाता है। और इस तरह से आप अपने जो सिलेक्शन है उसको कर सकते हैं। और इस जगह पर जब आप लाके इसको छोड़ देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो बन जाता है। इस तरफ आप देखेंगे तो इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी आप इसका चेंज कर सकते हैं, इसके साथ ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है इसको भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टूल अब बहुत कम यूज करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस टूल का यूज अब नहीं करते हैं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं।
हमने देखा कि तीनों तरह के जो लासो टूल हैं ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मैजिक टूल कैसे काम करता है, क्विक सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, और हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये किस तरीके से काम करता है, इन तीनों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से W प्रेस कर सकते हैं या यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप W प्रेस करते हैं तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कि पिछले ऑप्शंस में हमने देखे थे उसी तरह से ऐसे आप इसमें भी शिफ्ट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। आप अपने माउस को अपने सब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाएंगे और इस तरीके से ड्रैग करके आप उसके ऊपर बहुत ईजी तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर सिलेक्शन को आपको और एक्सपेंड करना है तो आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे और हम इस ग्रीन वाले एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो जाता है और आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर माउस चलाएंगे और ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो प्लस होते जाता है। और क्विक सिलेक्शन टूल वाकई में क्विकली सिलेक्ट करता है आपके सब्जेक्ट को, और आप लासो टूल के जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको यूज करना भूल जाएंगे। आपका ये जो काम है बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाएगा अगर आप क्विक सिलेक्शन टूल यूज करते हैं तो। मैं फिर से दिखाता हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपने माउस को लेकर जाएंगे और सिंपली इस तरीके से आप अपने माउस से ड्रैग करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर और ये बहुत फास्ट तरीके से आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मैजिक वैंड टूल किस तरीके से काम करता है। तो मैजिक वैंड टूल हमें उस जगह पर काम आता है जहाँ पर हमें सिंगल कलर को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ पी के अंदर वाइट कलर है और मुझे उस वाइट कलर को अगर सेलेक्ट करना है तो मुझे सिंपली अपने माउस से एक बार क्लिक करना होगा और जो वाइट एरिया है उसके अंदर एक सिलेक्शन बन जाएगा। अगर मैं बाहर की तरफ इसमें क्लिक करता हूँ तो बाहर जितने एरिया में उसको वाइट दिख रहा है वो उतने एरिया को सेलेक्ट कर ले रहा है। और अगर यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देता हूँ, अब मैं अगर इसमें क्लिक करूँगा तो ये और ज़्यादा एरिया को सेलेक्ट कर पा रहा है, और मैं इसका टॉलरेंस अगर और बढ़ा देता हूँ तो वाइट के साथ साथ ग्रे भी जहाँ उसको नज़र आ रहा है उतने एरिया को उसने सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि वाइट से मिलता जुलता अगर हमें कलर सेलेक्ट करना है या हम जिस कलर पे क्लिक कर रहे हैं उस कलर से मिलता जुलता अगर हमें कलर सेलेक्ट करना है तो हमें उसके लिए अपने टॉलरेंस को बढ़ा देना होगा, और जितने एरिया में वो कलर उसे नज़र आएगा भले वो डार्कन हो या लाइटन हो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टॉलरेंस की वैल्यू अभी 36 है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे इमेज में इतना ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हो रहा है। और अगर मैं इसके टॉलरेंस की वैल्यू कम कर देता हूँ, जैसे कि मैं अगर इसकी वैल्यू कर दूँ 1, तो अब मेरा जो सिलेक्शन है वो बहुत ही कम जगह पर बन रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 3x3 है। अगर मैं इसका सैम्पल साइज पॉइंट सैम्पल रखता हूँ बहुत ही कम सिलेक्शन बनता है, लेकिन अगर मैं इसका 11x11 कर देता हूँ तो ये सिलेक्शन हमारा बढ़ जाता है। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो ये और ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर पा रहा है। यानी कि ये क्या काम करता है, जैसे कि मैं अगर इसको जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पास हमारा वाइट कलर है, फिर इधर थोड़ा सा ऑरेंज जैसा हो गया है और इधर ग्रे हो गया है, इतना एरिया का सिलेक्शन करेगा। मतलब जो हमारे ये पिक्सल्स होते हैं वो यहाँ अगर मैं इस बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो इसके तीन बॉक्स इधर, तीन बॉक्स इधर, तीन बॉक्स इधर, ऐसे करके चारों तरफ से तीन तीन बॉक्स करके सेलेक्ट करेगा। उस जगह से वो सैंपल लेगा और उस सैंपल के अकॉर्डिंग वो जो है एक सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये ज़्यादा यहाँ इस पिक्सल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से 11-11 पिक्सल चारों तरफ जो है ये सैंपल लेगा और उस सैंपल के अकॉर्डिंग जो है आपका एक सिलेक्शन बनाएगा। तो यहाँ से हम सैंपल डिसाइड करते हैं कि हमें कितने एरिया से सैंपल लेना है और उसके बाद सिलेक्शन बनाना है। इसके बाद जो टॉलरेंस है, जो सैंपल कलर है उससे मिलता हुआ जो भी कलर उसको नज़र आएगा उसको वो सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि उसके आसपास के जो भी कलर होंगे उन्हें भी वो सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 2 तो कम एरिया सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं इसको 32 कर दूंगा तो ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करेगा इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन और ब्लू कलर यहाँ भी अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से इसने सिलेक्शन बनाया यहाँ तक, और अगर मैं इधर ब्लू कलर पे क्लिक करूँ तो इधर सिलेक्शन बनाया है, इस तरफ के ब्लू कलर को इसने छोड़ दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस जगह पर ग्रीन पर क्लिक करता हूँ
तो सिर्फ इसी ग्रीन एरिया को उसने सेलेक्ट किया है, इसके आसपास के जो ग्रीन एरिया है ना उसको सेलेक्ट किया है, और वो आपस में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं जितने एरिया वो आपस में ग्रीन एरिया कनेक्टेड है उतने एरिया को ही उसने सिलेक्शन बनाया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एरिया पे वो जाके सिलेक्शन नहीं बना रहा है। जबकि यहाँ भी डार्क है और यहाँ भी डार्क है और यहाँ भी डार्क है। अगर मैं यहाँ पे कंटेजियस पे अनचेक कर देता हूँ और अब मैं इस ग्रीन पर क्लिक करता हूँ और अब जो मेरा इमेज है उसमें जहाँ भी ये कलर अवेलेबल होगा वह उस हर कलर को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं कंटेजियस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब इतने ही एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, और अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये उस सभी कलर को सिलेक्ट कर लेगा जो इस इमेज में उतना कलर अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आप ये कंटेजियस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सैंपल आल लेयर, ये क्या चीज़ है आइए देखते हैं, इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास तीन लेयर हैं, इधर आप देख सकते हैं लेयर पैनल में, और तीन लेयर होने के बाद अगर मैं इसमें सैंपल पे अनमार्क रखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पास इस लेयर में इस तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है फिर भी इसने एक सिलेक्शन बना दिया है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ तो सिर्फ इसी लेयर में ये काम कर रहा है, अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो सिर्फ इस लेयर पर क्लिक नहीं होगा, इस लेयर पर क्या होगा कि इस लेयर के जो आउटसाइड का एरिया है उसको उसने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और अब मैं इधर क्लिक करूँगा तो इसने दूसरे लेयर का जो सैंपल है उसको लेकर और सेलेक्ट कर लिया है। इस लेयर पर क्लिक करूँगा तो इस लेयर पर काम करेगा, साथ ही दूसरे लेयर पर भी काम करेगा। यानी कि अगर आप सिंगल लेयर पर काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, इस पर अनचेक कर देंगे, और अगर आप सभी लेयर पर एक साथ काम करवाना चाहते हैं तो इस पर आप चेक करके रख सकते हैं। इसके साथ ही ये हमें दूसरी जगह ऐसे काम आता है, जैसे कि अगर हमारे पास एक फ्रेम है, मैं एक फ्रेम बना देता हूँ यहाँ पे ब्लैंक फ्रेम, जैसे कि मेरे पास ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर कुछ भी नहीं है, इस फ्रेम के अंदर अगर मैं कोई फोटो पेस्ट करना चाहता हूँ और सैंपल आल लेयर पे अगर मार्क लगा हुआ है और मैं इस तरह से क्लिक करूँगा, देखिए मेरे इस बॉक्स के अंदर सिलेक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके आउटसाइड पे भी क्लिक करूं तो भी सिलेक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं इससे हटा देता हूं और फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर एक सिलेक्शन बन जाता है। तो अगर मैं यहां से एक इमेज को लेकर आता हूं, जैसे कि मैं इस इमेज को कॉपी करता हूं और इस लेयर में लेकर आऊँगा, और यहाँ मुझे अगर उसको पेस्ट करना है और मैंने इस जगह पर चेक करके रखा हुआ है और पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो इस इमेज के अंदर पेस्ट स्पेशली जो ऑप्शन होता है तो ये कुछ इस तरीके से पेस्ट होगा, ये कुछ एरिया जो छूट गया है उस जगह पर सिलेक्शन नहीं बन पाया है तो वहाँ पर मेरा इमेज जो है पेस्ट नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अंडू करता हूँ और ये सैंपल लेयर है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से मार्क, और अभी मैं इसमें क्लिक करूँगा तो एक परफेक्ट सिलेक्शन बन जाता है उस ब्लैंक लेयर पर, और सिलेक्शन बनाकर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट की हेल्प से मैं इसको पेस्ट कर पा रहा हूँ। यानी कि ये वाला जो लेयर है इसके अंदर का जो ब्लैंक एरिया है उसके अंदर सिलेक्शन बनाकर और मैं अपने इमेज को जो मैं कॉपी करके कहीं से लाया हूँ उसको इसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ, और इस तरीके से आपका जो मास्किंग है ये वाला मास्किंग ये जनरेट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सैंपल साइज को भी जान लिया, टॉलरेंस को भी जान लिया, एंटी एलियास के बारे में हमने बात कर लिया था इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में भी जान लिया और ये ऑप्शंस के बारे में भी जान लिया। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि आपका जो ये वाले ऑप्शंस हैं ये कम यूज होने वाले हैं या इनको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए बताया था कि जैसे कि अगर आप इसका सिलेक्शन बनाना चाहें तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप इन टूल्स का यूज करते हैं, तो जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस काम को लासो टूल की हेल्प से करना चाहें, लेकिन अगर आप इस काम को मैग्नेटिक लासो टूल की हेल्प से करना चाहें तो ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से करना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से आप ऐसे ड्रैग करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ब्रैकेट ऑन ऑफ के बटन से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कुछ जगह पर आपको दिक्कत जा सकती है, इसके लिए आप किसी और टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये लासो टूल, इसकी हेल्प से हम इस तरह से सिलेक्शन को एक्सपेंड या अंडर कर सकते हैं।
इस तरह से शिफ्ट और अल्ट की हेल्प से आप अपने सिलेक्शन को परफेक्ट कर सकते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल इस तरीके से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है हमें और काफ़ी फास्ट सिलेक्शन बनाता है। तो इस तरह से हमने अभी जान लिया है कि क्विक सिलेक्शन टूल किस तरीके से काम करता है, मैजिक टूल किस तरीके से काम करता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हम अगले वीडियो में जानेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आने वाले वीडियोस में हम फोटोशॉप के सभी ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।